नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आप सभी की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसको ये कोरोना वायरस हो गया है और सब बहुत ज़्यादा डरे हुए, उनके परिवार में सब बहुत ज़्यादा डरे हुए। आप सभी की दुआएं चाहिए दोस्तों, ताकि वो ठीक हो जाए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। प्लीज़ आप सब दुआ करो। देखिए बहुत, मतलब आप गांव में हो तो आपको ये हालात पता नहीं है कि बड़े शहर में क्या हो रहा है। दिल्ली में, मुंबई में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतना डर लगता है कि अपने घर में पैक होने के बाद भी डर लगता है। आप सब तो जानते हो, रोज़ मेरे साथ पढ़ते हो, जो जुड़े हुए वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं 19 मार्च के बाद अपने घर से नीचे नहीं उतरी हूँ, मतलब सीढ़ी तक भी नहीं गई हूँ। फिर भी मुझे इतना डर लगता है, हमेशा डरती रहती हूँ कहीं कुछ हो ना जाए। तो प्लीज़ सब दुआ करो, बस आपसे मेरी यही मतलब गुजारिश है बहुत ज़्यादा कि आप दुआ करो, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और आरती बिल्कुल ठीक हो जाए जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है दोस्तों। ठीक है, बस यही कहना था। ओके, बाय बाय। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। हेलो, क्या कह रही है तू? जो बोल रहे सभी बोल रही हूँ यार, लेकिन पहले से नेगेटिव आई ना रिपोर्ट, दोबारा से सस्पेक्टेड हुई थी। हे भगवान, लड़की अपना ध्यान नहीं रखती, क्या खाए वो अभी अंदर है रूम में, तो उसको लेके नहीं गए हॉस्पिटल? अभी तक आज रिपोर्ट आई है, कल जाएगी। और मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तो ध्यान रख अपना, है ना, थोड़ा दूर दूर रहो, पास में मत रहो ज्यादा। अभी तो हम सबकी टेस्टिंग होगी, हम चारों की भी। हाँ सबकी होनी है वो तो, क्योंकि वो तो घर में साथ ही रह रहे हैं, साथ खा रहे पी रहे सारा काम कर रहे हैं ना। नहीं उसको हम ना अलग ही रखे थे, वो ना ड्यूटी करके आई थी 7 दिन की, उसको ना बहुत फीवर हो गया था, फिर आई। ठीक है, हमने उसको अलग ही रूम में रखा हुआ था, वैसे तो अलग ही रह रहे थे, फिर भी नहीं फिर भी कुछ नहीं होगा यार, सब सही होंगे, तो टेंशन मत ले। पर उसका भी तो ध्यान रखना जरूरी है यार, उसको वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती। वही ना यार पूजा, इसी बात की तो टेंशन। अरे तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उससे भी बोल के सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई इतना वो नहीं है। लेकिन यार मुझे तो लगा कि अब तो हॉस्पिटल नहीं जा रही। अरे हॉस्पिटल वाले तो यार अभी इसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी तो बोलते आ जाओ ड्यूटी में, ऐसे तो हो रखा है यहाँ पे हाल। वही तो, यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत बुरी हालत हो रखी है यार। तुम कहाँ पे है? मैं तो यही हूँ दिल्ली। अच्छा, मुझे लगा चली गई। नहीं 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 गए, हम जाने वाले थे लेकिन वहाँ गांव में जाके क्वारंटाइन करते, तो इसलिए मैं और पापा फिर यहीं पे है। हाँ तुम्हारा तो सही है, तुम और पापा है अकेले यहाँ पे दोनों। वही तो यार, परेशान मत हो, मैं दुआ करूंगी सब ठीक होगा, कुछ नहीं है, बस तुम लोग अपना ध्यान रखो, खासकर मम्मी पापा का। आरती तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये बच्चों को और बड़ों को दिक्कत कर रहा है। यार ठीक हो जाए सब लोग। लेकिन तू टेंशन मत ले, परेशान मत हो बिल्कुल, वैसे भी तू जल्दी परेशान हो जाती है। बस प्रेयर करियो पूजा। अरे मैं प्रेयर करूंगी, सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मम्मी पापा का ध्यान रखा जाए। रखती भी हूँ यार इन लोगों को। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं ऐसे में आ भी नहीं सकती यार। नहीं यार इसमें आ भी नहीं सकता कोई, नहीं कोई तो दूर से ही अपना हाल चाल पूछ सकते हैं। बस तो बस प्रेयर ही करते, यही बड़ी बात। नहीं नहीं मैं प्रेयर करूंगी, और तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आरती से बात करती हूँ, उसका नंबर है मेरे पास, फोन तो है ना उसके पास। हाँ तो मैं उससे बात करती हूँ। यार कब आई इसकी रिपोर्ट? आज। बता यार, डॉक्टरों के साथ ऐसा हो रहा है, कैसे काम चलेगा? अरे इसके साथ इसकी एक फ्रेंड है, उसी के साथ उसका भी हो रखा है, उसके बाद एक दो और लोगों को भी हो रखा है। तो इनके हॉस्पिटल में सभी को हो रखा है क्या? हाँ यार मोस्टली डॉक्टर को हो ही रहा है। कौन सा है आरती का हॉस्पिटल? लेडी हार्डिंग। आज ही न्यूज पेपर में आया था, दो डॉक्टर्स को हो गया लेडी हार्डिंग में, आज देखो इनको भी हो रखा है। यार मैं दुआ करूंगी सब ठीक होगा, परेशान मत हो तो बिल्कुल भी, और घर पे सबका ध्यान रख, क्योंकि टेंशन देख पहले ही सुन सुन के टेंशन हो रही है, खुद के घर में हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। हेलो चल ठीक है, रखती यही बताने के लिए किया था। परेशान मत हो बिल्कुल भी, है ना? ठीक है। हाँ टेंशन मत ले, और खाना पीना टाइम पे खा, गर्म पानी पी, और आरती को भी गर्म दे। तो उसको खाना वाना कैसे देते हैं?
तो हम अलग से दे देते हैं, निकाल वो ले लेती है वो अलग थाली में निकाल के दे देते हैं। अच्छा अच्छा उसको वही रूम में दे देते हैं। हाँ ओके चलो ठीक है, अभी ध्यान रखे ना अपना और सबका। दुआ करूंगी मैं सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, वैसे कोई परेशान मत हो। हाँ यार सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, है ना। चल ठीक है, ठीक है, बाय बाय।